नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस की 98 पे। आज जो लाइफ साइंस का क्विज 4 लेकर आए हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिएगा, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और जीव विज्ञान से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, जितने भी होंगे। और ऐसा नहीं है कि हम ये क्वेश्चंस खुद से जनरेट कर रहे हैं, ये अलग-अलग वेबसाइट से भी हम आपके लिए क्वेश्चन एक जगह करके ला रहे हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और जो भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो रही है उस टॉपिक के बारे में आप हमें कमेंट कीजिए, और सारे के सारे क्वेश्चंस को देखिए और आंसर खुद कीजिए। यहाँ 20 क्वेश्चन में 20 सही करने हैं आपको, यही टारगेट रखिएगा। ठीक है, 20 में से 20 सही हो जाए इसी चीज का टारगेट रखना है हमें, और जो बच्चे 20 में से 18 या 15 ला रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, बट आप ट्राई कीजिए कि 20 में 20 क्वेश्चन का आंसर आप सही दें। चलिए तो देखते हैं आज का वीडियो, ये है पहला क्वेश्चन। ठीक है, और जिन बच्चों को हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं है वो देखिए, उनके लिए हिंदी में भी क्वेश्चन है और इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, तो जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है क्वेश्चन को वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और जिनको हिंदी में जरूरत है पढ़ने की वो हिंदी में भी पढ़ के इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट से, दोनों लैंग्वेज में, ठीक है, क्वेश्चन रहेगा, तो आप टेंशन ना लीजिएगा और चलिए आंसर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ठीक है, आपके पास 10 सेकेंड है, मैं आपको 10 सेकेंड इसलिए देता हूं हर क्वेश्चन पे क्योंकि 10 सेकेंड तो बहुत ज्यादा होता है, ये दो दो सेकेंड तीन तीन सेकेंड में होते हैं, पर यहाँ प्रैक्टिस कराना कराना बहुत जरूरी है। आप लोगों के सभी जो टॉपिक्स हैं पढ़े हुए हैं, ठीक है, बस उसका प्रैक्टिस कराना, आपको याद दिलाना कि आप लोगों ने क्या छोड़ा है और क्या मिसिंग हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये सब स्कोरिंग है, सब्जेक्ट यहाँ से स्कोर किया जा सकता है। कुछ बच्चों ने पूछा था, आप अपने आंसर दे सकते हैं, मैं कुछ बातें बता रहा हूँ वो ध्यान रखें। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर ये जीव लाइफ साइंस से यानी कि जीव विज्ञान से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, तो देखिए लाइफ जनरल साइंस जीएस यानी कि जीएस से हमारे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है। ठीक है, यानी कि लाइफ साइंस है, ये 3 पेपर है यहाँ से जीएस में, और इन तीनों पेपर से बहुत ही ज्यादा, मतलब कम से कम आपको पासिंग करा दे इतने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो ये तीनों टॉपिक जो है वो पढ़ने जरूरी हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही में होते हैं तो लाइफ साइंस से होते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइफ साइंस जो है, लाइफ साइंस के साथ रहता है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं वो भी आपको मिलेंगे अभी देखने को हमारे चैनल पे, तो वो सब केमिस्ट्री से वीडियो और बायो साइंस से यानी कि लाइफ साइंस से वीडियो हम आपको लेकर देंगे। ठीक है, और रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स भी हम आपको कवर कराएंगे और फिजिक्स का भी वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, तो तब तक देखिए क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर है बी, यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है दूध खट्टा। ठीक है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिल्क इज सॉर, यानी कि बैक्टीरिया होता है वो जिसके चलते होता है दूध खट्टा। ठीक है, इसके आंसर को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अभी रिपीट होने वाला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है एक आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु यानी संक्रमण के कारण होते हैं? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया इन्फेक्शन। देखिए बैक्टीरिया से क्वेश्चन आ गया, चलिए आंसर दीजिए, आंसर दीजिए आप लोग सभी, 10 सेकेंड है आपके पास। पहला ऑप्शन है पेचिस, दमा, कुष्ठ या ये सभी, ये बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से इसमें डिजीज हैं ये बताना है आपको। ठीक है, पेचिस, दमा, लिपर और ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन है सी, यानी कि कुष्ठ रोग। ठीक है, लीपर होता है बैक्टीरिया के, इसमें जो चारों ऑप्शन है इनमें से बैक्टीरिया के कारण होने वाला जो डिजीज है वो है सी, यानी कि लीपर। ठीक है, कुष्ठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? टेक योर टाइम, बड़ी जल्दी से आंसर करो। ठीक है,
सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? वो फर्स्ट रिसर्च द वायरस है, ठीक है। वायरस की खोज किसने की थी? उनका नाम है इवानोवस्की, एडवर्ड जेनर, लिनियस या स्मिथ। ये चारों में से आंसर है आपका। चलिए आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2014 के एग्जाम में भी आया हुआ है एसएससी के, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको लेकर आता हूँ ताकि वो एग्जाम में आए हो या आने वाले हैं, तो आपको तो 100% नहीं तो फिर भी 99% तो गारंटी है कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, जितने क्वेश्चन हम अपने वीडियो पे दे रहे हैं, ठीक है। तो इस बात की गारंटी है हमारी, और इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है लाइफ साइंस में आपको एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी लाइफ साइंस इनका सब्जेक्ट है, वो पढ़ सकते हैं, पर इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर धीरे धीरे इस पीपीटी से आपको कवर करता जा रहा हूं मैं, सारे वीडियो से, ठीक है। चैप्टर वन से लेकर चैप्टर जो इसका लास्ट होगा, उस सारे चैप्टर में, सारे वीडियो में कवर अप कर दूंगा आपके, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए आंसर बताइए इसका। आंसर है इनका ए, यानी कि इवानोस्की जो है वो है खोजकर्ता वायरस के, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा, इवानोस्की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चेचक के लिए टीके का विकास किया था, किसने किया था चेचक का टीका का विकास? विद द वैक्सीन द डेवलप फॉर द स्मॉल पॉक्स। चलिए आंसर बताइए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन में देखो पिछले वीडियो में भी दिया था, और ये जितने भी वीडियो में आपको दे रहा हूँ, वीडियो वन से लेकर वीडियो अभी तक, यानी ये चौथा वीडियो है, ठीक है। तो इन सबको आप अगर नोटिस करोगे तो ये चैप्टर वाइज वीडियो बन रहा है, ठीक है। आप लाइफ साइंस का सिलेबस उठाकर देख लेना, ये चैप्टर वाइज ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं धीरे धीरे। तो अब जो क्वेश्चन का लेवल होगा ना, वो धीरे धीरे थोड़ा टफ होता जाएगा, इसलिए आप सभी थोड़ा मन लगा के पढ़िए। एग्जाम है, एग्जाम को कवर अप करना है, तो हर सब्जेक्ट को भी पढ़ना होगा, तो इसे भी पढ़िए। लाइफ साइंस भी बहुत अच्छा और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। चलिए इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है बी, यानी कि एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने खोज किया था किसका? चेचक के टीके का, ठीक है। चेचक के टीके का विकास किया था मिस्टर एडवर्ड जेनर ने, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। और लाइफ साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन जो जस्ट लाइक अ जीके भी आ सकता है, तो ये सब टॉपिक आपको जीके में भी कवर होगा, जनरल नॉलेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैंने अभी क्या बोला था पहले क्वेश्चन में कि रिपीटेशन होगा क्वेश्चन का कुछ, तो ये देखिए, दूध से दही बनने के रूप में जमने का कारण क्या है, ठीक है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है, वो कौन सा है रीजन जिसके चलते दूध से दही जमता है? इन इन देयर अ रीजन टू अ फ्रीज मिल्क एज अ योगर्ट, यानी कि दही, योगर्ट मतलब दही, ठीक है। अब बताइए कि वो कौन सा है, आंसर दीजिए। आप अपने आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी होगा तो वो भी कमेंट हमें कीजिएगा कि हमें इस टॉपिक पे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसे क्लेरिफाई करूंगा, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर तो आप कमेंट कीजिए हमें। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? इन दिस रीजन टू फ्रीज मिल्क अ योगर्ट, लैक्टोबैसिलस, माइक्रोबैक्टीरियम, खमीर, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप सभी अगर बचपन में पढ़े होंगे 9th 10th में अगर, तो इसका आंसर जरूर बता दोगे, ठीक है। इसका आंसर है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैक्टीरिया का नाम सुना है ना, उसके चलते ये दूध से दही में बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन स्वपोषी होते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफिक कौन होते हैं? शैवाल, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। देखो ये जो अब चैप्टर आप इंटर करते जा रहे हो लाइफ साइंस का ना, वो उसमें पढ़ोगे ज्यादातर बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है, और फंगस के बारे में, वायरसेस के बारे में, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान देना, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर ही आपका जो वीडियो बन रहा है, यानी कि डे वन से जो वीडियो बन रहा है वो चैप्टर बाय चैप्टर ही है, तो यहाँ आपका सारा सिलेबस कवर अप होगा, ठीक है। तो आप प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, और सारे आंसर दीजिएगा। 20 क्वेश्चन तो कराता हूँ, ज्यादा टाइम भी नहीं लेता हूँ आपका, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है ए, यानी कि शैवाल, एलगी कहते हैं इसे अंग्रेजी में, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, स्वपोषी इनमें से कौन है, तो वो है शैवाल यानी कि एलगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टीका रोग, ठीक है, व्हाट इज द डिजीज ऑफ टीका, टीका का नाम, टीका रोग का कभी नाम सुना है, नहीं सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, वैसे क्योंकि इसका जो जो डिजीज है वो पौधों यानी प्लांट से रिलेटेड, ये बॉटनी के क्वेश्चन है। देखो हर चैप्टर से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, बस अगर आप अपने थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो हर कवर अप हो जाएगा, ज्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं। लोग क्या करते हैं, बुक्स पढ़ने बैठ जाते हैं और वो पूरा फिर बायोलॉजी पढ़ने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही चीज कराई जा रही है जो आपके काम की चीजें हैं, ठीक है, आपका टाइम वेस्टिंग ना हो ज्यादा बच्चों का, और सब कुछ मिले यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर है डी यानी कि पीनट्स, ठीक है, मूंगफली, मूंगफली कहते हैं पीनट्स को, ठीक है। टीका रोग किस में होता है, तो मूंगफली में होता है, मूंगफली जो आप लोगों ने खाया होगा, ठीक है, उसमें होता है टीका रोग, उसकी फसल में होता है टीका रोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग क्या है, कैंसर, क्षय रोग, आत्सक या इनमें से कोई नहीं। देखो कैंसर का तो डिजीज नहीं हो सकता एचआईवी, ठीक है, और जो क्षय रोग है यानी कि ट्यूबरकुलोसिस है ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें दूसरे तरह के डिजीज आते हैं, ठीक है। कैंसर इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि कैंसर होने का जो रीजन होता है वो अलग अलग होते हैं, वो आपको ब्लड से रिलेटेड होता है, ठीक है। और क्षय रोग भी नहीं हो सकता है क्योंकि क्षय रोग कैसे होते हैं, जैसे हैजा, खैलरा, ये सब लाइक टाइप है, ठीक है। पर जो आपका आंशिक रोग है यानी कि आंशिक रोग, ये आपके इम्यूनिटिकल सिस्टम को बहुत ही वीक कर देता है, ठीक है। इसके कारण आपके जो एचआईवी देखो हर किसी के बॉडी में होता है पर वो निगेटिव में होते हैं ज्यादातर, ठीक है, जिसके चलते, और एचआईवी जहां पॉजिटिव हुआ वहां आपको एक डिजीज है एड्स, ठीक है, और वो उसका खतरा बढ़ जाता है आपके बॉडी में, ठीक है। तो इसके बहुत सारे संक्रामक हैं, कारण है, इसे कॉजेज हैं बढ़ने के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर मैं बता दूं, आत्सक है इसका आंसर, सी यानी कि, ठीक है, इंट्रेसिक्स, ठीक, व्हाट इज द डिजीज ऑफ कॉज बाय एचआईवी, तो इसके आंसर है इंट्रेंसिक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके मलेरिया, यक्षमा, चेचक या पीलिया। चलिए बात कर लेते हैं हम इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द वायरस, वायरस से होने वाले, विषाणु से होने वाले इनमें से वो रोग कौन से हैं, मलेरिया हो सकता है क्या, यक्षमा हो सकता है क्या, चेचक हो सकता है क्या, या जॉन्डिस हो सकता है क्या, वायरस से होने वाले, यानी कि ये वायरस से होने वाले रोग कैसे होते हैं, वो कहते हैं एक हिंदी में छुआछूत की बीमारी, ठीक है, पहले कहते थे छुआछूत की बीमारी है ये, तो वो कौन से इसमें डिजीज है, ठीक है। तो उसके आंसर आप बताइए, आपके पास अभी भी है 10 सेकेंड, ठीक है, अपने माइंड, अपने जो पैटर्न है उससे नीचे नहीं जाना है, ठीक है, उससे ऊपर ही भागना है अपने को, इसलिए ऑप्शन पे ध्यान दें और आंसर जल्दी करें, कमेंट करें आप लोग सभी। व्हाट इज द आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द वायरस, मलेरिया, यक्षमा, स्मॉल पॉक्स या जॉन्डिस, ठीक है। आपका आंसर है सी यानी कि चेचक। देखो चेचक होता है वो छुआछूत की बीमारी है, ठीक है, वो जल्दी ही कैचअप होता है दूसरे बॉडी में, ठीक है। अगर आप किसी को चेचक है उसके साथ होंगे तो उसके जो सांस लेने की प्रक्रिया होगी उससे भी आपको चेचक हो सकता है, तो इसलिए इस डिजीज को बोला गया है विषाणुओं के कारण होता है, ठीक है, डिजीज कॉज्ड बाय द वायरसेस, इसमें छींक में भी वायरस हो जाते हैं, छींक से भी वायरस निकलते हैं इसके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2015 और 2014 14 दोनों में इससे क्वेश्चन हुआ है और सेम क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है।
व्हाट इज द आयोडीन ऑब्टेन्ड बाय द एलगी। ठीक है, आपके ऑप्शन है ऑडोगिनियम, यूलोथ्रिक्स, एक्ट्रोकॉप्स, लेमिनेरिया। चलिए आंसर दीजिए, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड है आपके पास बच्चों। और वीडियो को लाइक करते रहिए जब तक देख रहे हैं, और जो बच्चे हमसे अभी अभी जुड़ रहे हैं वो तो सबसे पहले हमारा एक काम कर लें कि सब्सक्राइब कर लें वीडियो चैनल को, और वीडियो को लाइक कर लें। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा उन बच्चों को जो अभी तैयारी कर रहे हैं। आपके वो दोस्त हो सकते हैं, आपके वो फ्रेंड, आपके वो ब्रदर्स हो सकते हैं या सिस्टर्स हो सकती हैं, उन सबको शेयर करो। ठीक है, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो, कोई इशू नहीं है, सभी जगह इंटरनेट सुविधा है। वो यूट्यूब पे ही अपनी पढ़ाई करे, ठीक है, यूट्यूब पे ही सारा चीज मटेरियल मिल जाएगा आपको हमारे चैनल पे। तो चलिए इसका आंसर अब आप बताइए, 10 सेकेंड हो चुके हैं पार। इसका आंसर है लेमिनेरिया, यानी कि ये जो होता है शैवाल से आयोडीन प्राप्त कर होता है यहाँ। ठीक है, लेमिनेरिया एक शैवाल है जो इससे आयोडीन मिलता है हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, इज द हाइड्रोफोबिया डिजीज ऑकर्ड बाय, किससे होता है, विषाणु से, जीवाणु से, यीस्ट से या प्रोटोजोआ से। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया है डिजीज का। तो ये चैप्टर जो आप समझ रहे हैं, जो सिलेबस का है वो है डिजीज से रिलेटेड जितने भी है, यानी कि चैप्टर थर्ड ही है शायद, थर्ड या सेकेंड है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपके सारे क्वेश्चन के एग्जाम यहाँ से कवर अप कराएंगे हमारे चैनल सक्सेस की 98 पे। ठीक है, चलिए जिसका आंसर बताइए, और जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं हमसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी को मिल सके देखने को ये वीडियो। ठीक है, 20 क्वेश्चन ही है आपके पास, 20 में से आप 20 को क्लियर करो। देखो हाइड्रोफोबिया रोग होता है वो किस किस कारण होता है, तो वो होता है आपके जीवाणु विषाणु के कारण। ठीक है, यानी कि वायरसेस से चलते, ये भी डिजीज जो है हाइड्रोफोबिया, ये भी होता है विषाणु के कारण। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे एंजाइमिन्स नहीं होता। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एंजाइमिन्स, विषाणु, जीवाणु, शैवाल या लाइकेन। आपके ऑप्शन आपके सामने है, वायरस, बैक्टीरिया, एलग या लिशेन। ठीक है, तो जल्दी से आंसर कीजिए विद इन 10 सेकेंड, आई विल गिव यू अ टाइम 10 सेकेंड, एंड जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग जुड़ रहे हैं हमसे नए, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूले कोई भी। ठीक है, मैं बार बार यही बोलूंगा आप सभी को कि वीडियो शेयर करते रहिएगा ताकि सभी वीडियो हमारे देख सकें। निम्नलिखित में से किसे एंजाइम्स नहीं होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एंजाइम्स। आपका आंसर है यानी कि विषाणु, ठीक है, यानी कि वायरस नहीं होते हैं एंजाइम्स। ठीक है, वायरसेस में एंजाइम्स नहीं होते हैं, इसका आंसर है वायरस। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु यानी कि जो वायरस होते हैं, जो कुत्तों को काटने से होते हैं, द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है। चलिए देखिए, ये आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आंसर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आंसर आपको खुद से बताना होगा। 10 सेकंड नहीं, 5 सेकंड के अंदर बताइए, हैजा, पेचिस, मम्स या हाइड्रोफोबिया। ठीक है, ये अगर किसी को आपके घर में कुत्ते ने काटा होगा तो आपको जरूर पता होगा। तो चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से, हैजा, पेचिस, मम्स या फोबिया। देखो पेचिस के बारे में, मम्स के बारे में और हैजा के बारे में आप लोगों ने सब सुना, हाइड्रोफोबिया का नाम सुना है क्या। चलिए, ओह शिट, ओह मैंने आंसर ही दे दिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया, ठीक है, इज द राइट आंसर, नोट आउट कर लीजिए। और सारे क्वेश्चन को अगर आप घर पे बैठ के नोट भी कर रहे हैं तो इसे एक अलग कॉपी में अपना नोट्स बनाते जाइएगा लाइफ साइंस का। और मैं कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन कराऊंगा आगे जाकर अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की 98 पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सार्स, SARS क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज सार्स। ठीक है, तो ये होता है संचार प्रणाली, यानी कि कम्युनिक
एजुकेशनल सिस्टम विषाणु जनित रोग होता है क्या, वायरल डिजीज, कवक जनित रोग होता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, फंगस डिजीज होता है क्या, सार्स। तो देखिए इसके बारे में आपको दिया है मैंने 10 सेकेंड, ठीक है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। व्हाट इज सार्स, SARS, आंसर कीजिए। देखिए अभी भी मैं आपको बता दूं, सारे के सारे आंसर मैं आपको क्वेश्चन के आंसर कराऊंगा, ठीक है, आप प्लीज हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा हमारे वीडियो पे। और जो बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे वीडियो देखते रहिए, क्योंकि यहां से अलग क्वेश्चन नहीं आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आप इसका आंसर बताइए, सार्स होता क्या है, ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। ये इसका फुल फॉर्म पहले आप लिख लो, नोट आउट कर लो, इज द सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सेवरी एक्यूट एंड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स, ठीक है, इसके फुल फॉर्म होते हैं, ठीक है, और इट कॉज्ड बाय अ वायरस, ठीक है, इसका आंसर होगा बी, ठीक है, ये जीवाणु से जनित रोग होता है, और ये जो बीमारी होती है, ठीक है, सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स जो बीमारी होती है, या सार्स जो होती है, ये सांस लेने की बीमारी होती है, ठीक है, इसमें आपको दमा हो सकता है, ठीक है, और स्मोकिंग करने वालों को ज्यादा ये होती है, इसलिए प्लीज डोंट स्मोकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होते हैं, इज द इन्फेक्शन, देखो यहाँ बात हो रही है, द मिसलेस इज ड्यू टू द फॉलोइंग इन्फेक्शन, खसरा जो होती है इन्फेक्शन के चलते बीमारी होती है, इसका आंसर दीजिए, चलिए फटाफट आंसर दीजिए, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, विषाणु, शैवाल, क्या होगा आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, कितनी बार रिपीटेशन हो चुका, अगर आप एग्जाम नहीं दिए हो, फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, तो हमारे चैनल को साथ बने रहिए और 10 सेकंड में इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए बहुत ही ज्यादा मैं आपको बता दूं कि यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले एग्जाम में, आप प्लीज इन सब क्वेश्चन को सीरियसली इंपॉर्टेंट लें और नोट आउट कर लें अपने, और वीडियो को बार बार देखें, नहीं समझ में आ रहा है इसके बारे में गूगल भी कर सकते हैं आप कि होता क्या है, पर ज्यादा जानकारी लेने की क्या जरूरत है आपके एग्जाम में, ठीक है, आपको एग्जाम क्लियर करने का जरूरत है ना, तो सबसे पहले आप तो नंबरिंग करो, तो ठीक है, तो लाइफ साइंस ऐसा एक टॉपिक है जहां से आप स्कोरिंग कर सकते हो अपने एग्जाम में, इसलिए ज्यादा डीप में घुस के पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी लाइफ साइंस को, जिन बच्चों का सब्जेक्ट है वो तो पढ़ ही सकते हैं, उनको तो पता ही होगा इन सब का आंसर, पर जिनका सब्जेक्ट नहीं है उनको कोई जरूरत नहीं है डीप में जाके पढ़ने का अभी, और बाद में पढ़ते रहेंगे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई चीज डीप में नहीं पढ़ना चाहिए, बट अभी जो आपका मेन फोकस है वो 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर देना है और एग्जाम में इसका आंसर सही करके आना है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, खसरा जो है निम्नलिखित में से संक्रमण का कारण होता है, इसका आंसर है सी, यानी कि विषाणु, वायरस के चलते होता है ये, ठीक है, वायरसेस होते हैं, खसरा जो होता है संक्रमण का कारण होता है, यानी कि वायरस डेवलप करते हैं ये, खसरा जो बीमारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व होता है, पोटैटो इज द एजेंट फैक्टर ऑफ द डिजीज, ठीक है, व्हाट इज योर आंसर, चलिए 10 सेकंड है फिर से आपके पास, 20 में से 20 कितने लोगों ने किया है वो कमेंट करें और इसका आंसर भी कमेंट करें, कमेंट करना ना भूलें, आप हर क्वेश्चन का कमेंट कर दीजिएगा ना एटलीस्ट, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ सभी बच्चों ने अपना वीडियो देखा है, और उसका फायदा अभी आपको नहीं मिलेगा, जब आप एग्जाम दोगे तब मिलेगा इसका फायदा कि सर ने ठीक कहा था, कितने क्वेश्चन मैं आपको एज अ प्रूफ दूंगा कि कितने क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में आए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मैं इसमें से निकाल के आपको प्रूफ दूंगा, ठीक है। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व होता है, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, मैं आंसर देने वाला हूँ अब, इसका आंसर है विषाणु, यानी कि वायरस। देखो इस चैप्टर में सिर्फ डिजीज के बारे में और वायरसेस के बारे में पढ़ाया गया है, इसलिए यहाँ से ये क्वेश्चन उठ के आ रहा है,
ठीक है, तो मैं आपको सिलेबस बाय सिलेबस ही आपका वीडियो बना रहा हूँ, और आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठीक है, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसे किसके कारण उत्पन्न होती है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग जो होता है वो किसके कारण उत्पन्न होती है, विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु या इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आंसर बताइए, वायरस, प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया या ऑल ऑफ दीज। जल्दी 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 बताइए, 10 सेकेंड है आपके पास, और कितने लोगों ने कितना स्कोर किया है बीच में ये भी बताइएगा हमें। आप सभी का आंसर कमेंट कीजिए और प्लीज बताते रहिएगा हमें कि कितने लोगों का आंसर अभी तक सही हुआ है, ताकि मैं आपके जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें थोड़ा सा लेवल हाई करने वाला हूँ। और चलिए इसका आंसर मैं देता हूँ आपको, इसका आंसर है ए, यानी कि विषाणु, वायरस। ठीक है, जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ जो रोग होता है वो होता है वायरस के चलते। आंसर इज योर राइट ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शैवालों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, क्यूटीन, काइटीन, सुबेरीन या सेल्यूलोज। व्हिच सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड ऑफ, विषाणु शैवालों की कोशिका की भित्ति किससे बनी होती है। ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिए, 20 में से 20 कितने लोगों ने सही किया वो भी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन, 10 सेकंड है आपके पास। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, व्हिच सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड ऑफ, क्यूटीन, काइटीन, सुबरीन या सेल्यूलोज। ठीक है, चलिए इसका आंसर है सेल्यूलोज, यानी कि आपको जो शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लाल सागर का लाल रंग, लाल सागर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, रेड सी, ओशियन का नाम सुना होगा। ठीक है, और लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये देखिए केमिकल रिएक्शन होता है वहां पे, इसके चलते इसका रंग जो है पानी का वो लाल हो जाता है। तो चलिए बताइए इसका आंसर, मांस, लाइकेन, शैवाल या जीवाणु। चलिए आंसर जल्दी दीजिए, 10 सेकेंड है आपके पास, आई थिंक इसके बाद एक क्वेश्चन और हो और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर है सी, यानी कि सैवाल इज द राइट आंसर, एल्गी इज द राइट आंसर। लाल सागर का लाल रंग होता है सैवाल के कारण, ठीक है, जो एक केमिकल रिएक्शन के कारण होता है समुद्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्प क्या है, ठीक है, व्हाट इज केल्प, या प्राप्त होता है, एक ही बात है। ठीक है, आर यू अचीविंग, यानी देखो ये क्वेश्चन का मतलब ये मत समझना कि आर यू अचीविंग यानी आपने क्या प्राप्त किया। ठीक है, केल्प क्या होता है इसके बारे में बताइए आप। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लाइकेन्स होता है, समुद्री शैवाल होता है, जलीय शैवाल होता है या शैवालों से रिलेटेड है ये। ठीक है, इसका आंसर है बी, समुद्री शैवाल। देखा, इसी के कारण जो लाल सागर का जल होता है वो लाल हो जाता है, उसका कलर लाल हो जाता है इसी केल्प के थ्रू। ठीक है, केल्प शैवाल है, समुद्री शैवाल है। ठीक है, समुद्री शैवाल से केल्प प्राप्त होता है वहां से, और केल्प ही कारण होता है आपके लाल सागर का पानी लाल होने में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, आपको तो सबसे पहले थैंक यू है कि आप हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं और हमारे साथ बने हुए हैं लास्ट तक। ठीक है, और आप हमारे चैनल के जो वीडियोज हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों को हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, ठीक है, या फिर बैंकिंग के भी एग्जाम हो। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पे बैंकिंग से रिलेटेड भी वीडियोस डाले जाते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग। ठीक है, तो आप सभी को हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल यानी कि सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है, और वीडियो को लाइक करवाएं और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, और
नए सिलेबस में क्या क्या है पढ़ना, और लेवल थोड़ा सा अप होगा अब, ठीक है, क्योंकि जो चैप्टर है वो बढ़ता जा रहा है आगे की ओर। और अभी तक जो बच्चे हमारे वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो हमारी कम्युनिटी के सॉरी हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हमारा डे वन से जो वीडियो आ रहा है लाइफ साइंस का, उसे कवर अप करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ सारे जो चैप्टर हैं वो सिलेबस बाय सिलेबस कराए जा रहे हैं आपको, तो क्वेश्चन जो भी मिल रहे हैं आपको एज ए सिलेबस मिल रहा है और उसको देख लें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।